शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया वालों आओ हमारे देश। क्या हुआ? दिखाइए तो सही। और मैं घूमने गए थे, वहाँ हमारा कैमरा खराब हो गया था, तो वहाँ ना होटल वालों ने हमारी कुछ तस्वीरें खींची थी, अब वही भेजी है उन्होंने। आप भी देखिए ना। आज आप जल्दी आ गए। हाँ, आज ऑफिस में तुम्हारी याद बहुत आ रही थी, मन ही नहीं लग रहा था। ठाकुर साहब, ये देखिए। चलो अच्छा है, अपने वादे मुताबिक रिजॉर्ट वालों ने फोटोग्राफ्स भेजी तो सही। ये देखो, इस फोटोग्राफ में तुम मुझसे इतनी दूर बैठी हो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी अजनबी के साथ आई। ये फोटोग्राफ अच्छी है। अच्छा हुआ इसमें मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा हुआ है, कम से कम पता तो लग रहा है तुम मेरे साथ हो। ठाकुर साहब, क्या प्रॉब्लम क्या है? अरे तुम मेरी पत्नी हो भाई, प्यार करता हूँ तुमसे। इस नौकरानी से कह देना मेरे लिए चाय लेकर आ जाए, फिर हम साथ बैठकर आराम से फोटोग्राफ्स देखेंगे। जी, अभी लाऊं। हमेशा की तरह आज भी तूने मारे को बचा लियो काना था, पर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, मारा काल जा बैठा जा रहा है, कब खत्म होगा ये खेल? की चाहिए वो फोन वाला आदमी और वो है कौन? सुबह है उसका और मारे को जलील करके वो की चाहे कड़ा, मारे को डर लग रहा है आप उसकी अगली चाल के होवेगी। मारे मन को सुकून तो करना था,
चलो, मेरी आवाज तो पहचानी, मुझे लगा था कि तुम मुझे भूल ही गई हो। ये क्या कह रहा है आशु, मैं थारे को कैसे भूल सकूं? अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे तुम्हारा पैर कैसा है? इनफैक्ट तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब तुम झूठ नहीं बोल सकती हो तो कोशिश क्यों करती हो रुक्मी? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी आवाज में जो परेशानी है, क्या वो मुझे सुनाई नहीं देती? ना, ऐसी कोई भी बात ना है आशु, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारी चिंता ना कर। ठीक है रुक्मी, दादी ने मुझे हवेली आने से मना किया है, लेकिन तुम तो कभी कभार मुझसे मिलने आ सकती हो ना? हाँ, मैं आऊंगी थारे से मिलने, किसी दिन जरूर आऊंगी। पक्का? पक्का। आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो शर्ट में बटन टांग रहा था, तुम्हारी बात सुनकर खुशी के मारे सुई चुभ गई। तू बटन टांग रहा था? हाँ, तो और कौन करेगा? मैं थारे से मिलने जरूर आऊंगी। थैंक्स रुक्मी। यही दे दो। ये जली हुई रोटी? नहीं, तुमने मेरे लिए प्यार से बनाई हुई रोटी। मजाक मत करो मोहित, तुम क्या ये जली हुई कड़वी रोटी खाओगे? जली तो है पर कड़वी बिल्कुल नहीं होगी, इसमें तुम्हारे हाथों की मिठास जो है। तो अब भी विश्वास ना हो रही है, आशु खुद अपनी शर्ट को बटन टांग रही था। इसलिए मैं बहुत खुश हूं। वैसे तो मैं बुरा आदमी नहीं हूं, लेकिन अब लग रहा है कि मेरी धमकियों का तुम पर असर होने लगा है। के चाहो आप मारे से? मारे को अकेला कहीं ना छोड़ देते हो, क्यों तंग कर रहे हो मारे को? मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही हो रुक्मी, भूल गई किससे बात कर रही हो? मैंने कहा ना तुमसे कि मैं वैसे तो बुरा आदमी नहीं हूं, लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं सहन करूंगा। मैंने कल सबूत नहीं भेजा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आज भी नहीं भेजूंगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि रसाल को मिला हुआ कुरियर देखकर तुम किस तरह डर गई,
जिस तरह तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया। तुम तो यही समझ रही थी ना कि रसाल के हाथों तुम्हारे और ठाकुर रणवीर सिंह की रंगरलियों का सबूत मिल गया। तो तुम्हें क्या लगता है रुक्मी, मैं आज वो सबूत भेजूंगा या फिर हो सकता है कि मैंने पहले ही भेज दिया हो? और कुछ ही देर में वो सबूत हवेली पहुंच जाएगा। बोलो ना रुक्मी, क्या लगता है तुम्हें? के चाहो हमारे से? इतनी जल्दी क्या है रुक्मी, वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें बता दूंगा कि मैं क्या चाहता हूँ। पहले तुम पूरी तरह डर तो जाओ, न चाहते हुए भी मेरे अगले फोन का इंतजार करो। लेकिन हो सकता है कि तब तक वो सबूत ठाकुर रणवीर सिंह या फिर तुम्हारी बहन रसाल के हाथ लग चुका हो। देखो माँ, सत्रह लाख की रकम किस चीज पर खर्च हुई मुनीम जी? जवाब दीजिए मुनीम जी, इतनी बड़ी रकम कहाँ खर्च हुई है? कौन सी रकम छोटे भाई साहब? यहाँ 17 लाख की एक एंट्री है और मुनीम जी के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अरे छोटे, वो रकम तो मैंने निकलवाई थी, थारे को याद है ना, अमेरिकन डेलीगेशन आया तो। मुनीम जी आपका दिमाग कट्ठे है, इतने सालों से इस कंपनी में काम करो, आपको ये पता नहीं कि ऐसी रकम जो हम अपने क्लाइंट्स पे खर्चा करें उसे एंटरटेनमेंट के नाम पर वही खाते में लिख देवे, मालूम है ना आपको? जाओ बैठे से जाइए। छोटे अगर पैसा खर्च ना करोगे तो बड़ों को किस 17 लाख खर्चे किए, तभी तो 20 करोड़ का बिजनेस मिली है और 2.5 करोड़ का प्रॉफिट भी हुआ है। हाँ भाई साहब, लेकिन 17 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। हाँ मरने भी लागियो तो फिर सोचो, अगर इन गोरों को थोड़ी सी शराब पिलाकर कंपनी का फायदा हो रही हो तो शराब सस्ती पड़ी ना। छोटे ये सब बातें छोड़, पहले मन्ने ये बता सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? छोटे से रुक्मी से कुछ बात हुई? बोला उसने कुछ? पूजा के बाद तो थारे से अकेले में बात करने का मौका ही ना मिलियो। ये वो भाई साहब, मुझे उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मैं कब घर पहुंचा, मैं कैसे अपने कमरे में पहुंचा, कब सोया, मुझे कुछ याद नहीं है भाई साहब। तारे को कुछ याद ना है कि तू घर किस तरह पहुंचियो? नहीं भाई साहब, कुछ भी याद नहीं है मुझे। बस ये याद है कि आखिरी बार बार में बैठकर आपके साथ शराब पी थी और उसके बाद सुबह सरदर्द की वजह से अपने बिस्तर पर उठा। उसके बीच में क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है भाई साहब, कुछ भी नहीं। शायद मैंने कुछ ज्यादा शराब पी ली थी। हाँ मरने भी लागे, पर छोटे मैं थारे से ज्यादा शराब पीऊं, पर मारे साथ ऐसा कभी ना हुआ है कि मारे को कुछ याद ना रहा हो। ऐसे तो ना है ना कि तुम्हारे से कोई बात छुपा रहा। जे थारे को मारे को ना बोलना है तो कोई बात नहीं, मत बोल। अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, मैं भला आपसे कोई बात क्यों छुपाऊंगा? हाँ वो तो है, पर उस रात थारे सर पर जुनून सवार था, वो तो मैंने देखियो तो। पर ये भी कहना होगा कि उस रुक्मी के नसीब चौक को है जो थारे गुस्से से बच गई और फिर भी अपनी मनमारी कर रही है, एक भी मौका ना छोड़े थारे से बदला लेने का। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ो, और कुछ ना मिला तो थारे पे पानी गिरा दियो। एक रात क्या बिताई उस डॉक्टर के साथ, इस चीटी के तो पर निकला है और डॉक्टर भी कम ना है, शक्ल से तो भोला लग गया पर है घनो छुपो रुस्तम। अब ये सब छोड़, छोटे आज रात को एक नई रेस्टोरेंट में जाएंगे और दोनों भाई मिलकर घना पिएंगे के? नहीं भाई साहब, मैंने फैसला किया है कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में दोबारा वो रात आए जिसके बारे में मुझे सुबह कुछ याद ना हो।
पर ने इस तरह डरा के हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके की खुशी मिल रही है उस फोन करने वाले को? आखिर क्या चाहता है वो हमारे से? इस तरह हमारा सुकून छीनकर, हमारी बेबसी पर हंस कर के साबित करना चाहे है वो? कैसे जान सके है कि इस घर में के हो रही है? इसका मतलब वो देख सके है कि अठे के हो रही है, यानी वो इसी घर में से कोई है। चाकर या फिर इस घर का ही कोई सदस्य? शायद मैं उस आदमी को ढूंढ सकूं, इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर सकूं।